सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 3 और आज हमारे यहाँ पे ना मौसम खराब हो गया है, तो संभावना तो ऐसी हो रही है कि आज बारिश होगी भारी। अभी तो लग भी गई थी बारिश छोटी छोटी बूंदे, लेकिन फिर से रुक गई है। और आजकल ना बारिश तो कम होती है, लेकिन आजकल बादल ना बहुत जोर जोर से गरजते हैं और साथ साथ में आजकल ओलावृष्टि भी होती है। तो अभी 2 दिन पहले तो हमारे यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन वो तो हुई है बहुत ही कम अभी, पर डर रहता है आजकल के दिनों में ज्यादातर ओलावृष्टि होती है। और बादल तो इतने जोर से गरजा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमारे ना, मुझे तो डर लग गया, मुझे लगा कि कहीं पे आसमानी बिजली तो नहीं गिर गई। आजकल ना आसमानी बिजली गिरने का बहुत ज्यादा डर रहता है इस मार्च महीने में। और आज 15 मार्च है, तो कल ना 16 मार्च को हरदीप का जन्मदिन है। तो आज हम घर की साफ सफाई कर रहे थे और कपड़े वगैरह धो रहे थे, क्योंकि फिर कल जन्मदिन है, तो कल तो कपड़े की धुलाई वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो आज बेड की जो बेडशीट होती है ना वो धो रहे थे हम। तो हरदीप ने ना अपने बेड की टाइम पे धो ली थी, इसने तो सुखा करके रख ली है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो मेरे कपड़े अभी सूखे नहीं है, मैंने इनको वॉशिंग मशीन में सुखाया तो है पर पूरी तरह से तो ये सूखे नहीं है। फिर अभी मैंने बोला कि चलो 5 मिनट इनको बाहर रख लेती हूँ, अभी बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई है। अगर थोड़ी देर बारिश ऐसे रुकी रहेगी ना तो तब तो ये कपड़े शायद सूख भी जाए, पर धूप तो अभी लगने वाली है नहीं। तो चलो कुछ नहीं, अगर कपड़े गीले भी रह जाते हैं तो इनको हम कल सुखा लेंगे, पर भगवान भी बारिश दे देना। और अब मैं थोड़े से आपको अपने पौधे और कल में भी दिखा लूंगी अपने नजदीक में कि कैसे उग रहे हैं हमारी वो कलम और पौधे। तो ये देखिए यहाँ पे रही हमारी कलम, और ये जो कलम है ना ये पिछले साल की लगाई हुई है, पर इसमें अभी पत्तियां नहीं आई है। और ये जो इस साल की लगाई है ना नाशपति की कलम है ये, तो इसमें देखिये कितनी सारी पत्तियां आई है और नीचे भी लगाई हुई है यहाँ पे इसी पौधे पे। ये देखिये ये भी पिछले साल की लगाई हुई है, इसमें पता नहीं अभी पत्तियां क्यों नहीं आई है। वैसे इन नई कलमों में पत्तियां आ गई तो इनमें भी आनी चाहिए थी पत्तियां। तो बाकी और भी पौधे हमारे अच्छे से उग गए हैं। बाकी और मैं आपको एक पौधा और दिखाती हूँ, ये देखिए इनको पहचान करके बताना मुझे कौन कौन जानते हैं इनको। वैसे हमारे मंडी से जो लोग होंगे ना वो तो ज़्यादातर जानते ही जानते हैं इसको। तो इसको अंजीर का ही पेड़ बोलते हैं और इसको बोलते हैं पंचपत्रु फेगड़ा, हमारी लोकल भाषा में हम फेगड़ा बोलते हैं। ऐसे अंजीर का ही पौधा होता है ये भी एक, पर इसमें फल नहीं लगते हैं, ऐसे ही पत्ता होता है और ये दवाई वगैरह के काम आता है। जैसे पशु कोई बीमार वगैरह होता है ना, एक बीमारी होती है पशु को जिसको कि पात्रा बोलते हैं हम तो गांव की भाषा में, बाकी और पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इससे ना उसका वो जो जहर होता है उस बीमारी का उसको इस पत्ते से उतारते हैं जो जान के लोग होते हैं वो वाले। तो ये देखिए कितनी सारी जड़ी बूटियाँ होती है गाँव में, है ना। यहाँ पे मैं आपको अपना सेब का पौधा दिखाती हूँ, तो ये देखिए इसमें भी कितने सारे पत्ते आने लग गए हैं। अभी मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अगर बारिश वगैरह होती है ना तो इनमें बहुत सारे पत्ते उगेंगे, तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये। और ये हमारे घर के पास में ही है ये पौधा, बाकी तो नीचे जो हमारा बगीचा बन गया है ना वो तो नीचे खेतों में है, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको मैं एक पौधा। और इसमें ना दूध निकलता है, जो मैंने अभी पत्ते दिखाया आपको तो मेरे हाथों में चिपक रहा था इसका दूध अभी चिप चिप करके। और यहाँ पे इस एरिया में जो हरदीप ने सेब के पौधे लगाए हैं ना, तो है 7 पौधे यहाँ पे। यहाँ पे जो मैं खड़ी हुई हूँ तो कोई ऊपर, कोई यहाँ पे मेरे आगे पीछे, कोई नीचे को, बाकी 20 पौधे हमारे नीचे खेतों में लगाए हुए हैं हरदीप ने, जो कि सारे के सारे लग ही गए हैं लगभग। तो अभी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी उनको भी, पर अभी छोटी छोटी पत्तियाँ उगी है उनमें भी, उतनी ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ भी आई है। जब उनमें पूरे पत्ते भर जाएंगे ना तब मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर। और हमारे घर के सामने मतलब ये जो पहाड़ियाँ दिखती है ना वहाँ को मंडी पड़ता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश गिर रही है ना, वहाँ पे अंधेरा ही दिख रहा है। और जब जब मौसम खराब होता है ना तो उसी तरफ बारिश होती है और ओलावृष्टि भी होती होगी शायद, और हमारे यहाँ पर बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत ही कम हो रही है हमारे। तो हम भी यही चाहते हैं कि भगवान जी बारिश दे देते ना तो बहुत ही अच्छा था, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश दे दो। और यहाँ पे नीचे देखिए हमारा कैक्टस का पौधा है, तो ये टूट गए है वैसे तो ना, पर जो टूट करके नीचे गिर गया है ना तो वो अभी फिर से उगने लग गया है, इसमें खुद से जड़ें निकल जाती है। तो अभी मैंने तो सोचा था कि इसको मैं कहीं पर लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना ये काफ़ी ज़्यादा भी हो गया एक जगह। वैसे तो ये बड़ा पौधा हो गया था, ये टूटा ना तब ये तितर बितर होकर के ऐसे बिखरा पड़ा है सारा, तो इसको मैंने सोचा है कि कहीं लगा लेना है, तो 2-4 पौधे बन जाएंगे अगर इसको लगाएंगे कहीं पे तो। और यहाँ पे हमारी चेरी की कलमें भी अभी ये देखिए इनमें ना आंखें तो फूट गई है, पर पत्तियाँ नहीं बाहर फूट रही है इनकी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो ये देखिए हरी हरी सी दिख रही है ना। तो बिना बारिश के मेरे ख्याल से पत्तियाँ भी जल्दी नहीं निकल रही है ऐसे तो। जो देखिए पाते का पेड़ है इसकी तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकली है नीचे से, लेकिन ये जो चेरी की कलमें लगाई है ना तो ये धीरे धीरे से निकल रही है, बहुत ही धीरे धीरे से। वैसे इनको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर अगर अभी बारिश वगैरह हो जाएगी ना तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में इनकी भी पत्तियां आ जाएगी।
और आज मैंने मार्केट जाने की सोची थी कि कल हरदीप का जन्मदिन है ना, तो थोड़ा सा सामान लाना था, लेकिन दिन में मुझे टाइम ही नहीं लगा, फिर मौसम हो गया ख़राब। तो अभी मैंने सोचा है कि शाम को भी जाती है हमारे यहाँ से गाड़ी 4:30 बजे, तो अगर मुझे टाइम लगा तो मैं शाम को चली जाऊँगी, और अगर मौसम ठीक रहा तब, अगर बारिश लग गई तब नहीं जाऊँगी, क्योंकि बारिश में मन नहीं करता जाने का कहीं भी। और आज हमने अपने पशुओं को भी अंदर बांध लिया है दिन में ही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी ना, तो हमने बोला पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश गिर जाएगी। तो ये देखिए पशुओं का आंगन हमारा ना खाली खाली है, अभी पशु अंदर बैठे हैं आराम से। ऐसे तो आजकल हम पशुओं को बहुत देर से अंदर बांधते हैं, क्योंकि ठंड तो अभी कम हो गई है, ऐसे ही अंदर बांधेंगे तो पशु जो है अंदर ना बहुत ज़्यादा कीचड़ डालते हैं, पर जब ऐसे मौसम वगैरह ख़राब होता है ना तो तब अंदर बांधते हैं पशुओं को। और अभी ना ये जो मार्च महीना चल रहा है आधा तो हो गया, तो बारिश तो पीछे हुई नहीं, तो कई बार क्या होता है कि इस महीने में ना बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, मतलब हिंदी महीने में बोलूँ तो चैत्र महीना शुरू हो गया है पिछले कल का ना, तो चैत्र महीने में कई बार इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना कि नीचे धरती से पानी के जो सोर्स होते हैं ना बरसात वाले, उनसे भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, कई बार तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है चैत्र महीने में। और आजकल ये जो बारिश होती है ना वैसे लेट तो काफ़ी हो गई है, क्योंकि इससे फसलें तो कुछ नहीं होने वाली है अभी, लेकिन आगे को मतलब जैसे कि पशुओं को घास वगैरह पेड़ों पे, जैसे हमारे तो यहाँ पे बान के पेड़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो उनमें भी नया बान लगना शुरू हो गया है, तो अगर बारिश होगी ना तो नया बान काफ़ी सारा लगेगा हमारे पशुओं के लिए, बाकी और भी धरती पर भी हरी घास कुछ ना कुछ उगी जाएंगी। और मतलब पेड़ों पर आजकल जो भी घास लगती है ना, जो पेड़ होते हैं आजकल गर्मियों में घास वाले, तो उनमें कुछ ना कुछ तो नई पत्तियाँ उगेगी। और हमारे घर के आगे आंगन के नीचे यहाँ पे हैं पेड़ बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे ना 2-3 पेड़ आम के भी हैं, और इन आम के पेड़ों पे ना ऐसे कूर जैसा पड़ा हुआ है, जैसे कि बोलते हैं कि आजकल आम के पेड़ पे कूर लगता है ना, तो फल लगते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, और आप ना इसको देख करके मुझे ज़रूर बताना कि इसमें फल लगेंगे या नहीं, पर अभी तो लगे नहीं है इसमें। तो ये देखिए ये रहा यहाँ पे हमारा आम का पेड़, और इसके आगे ना ये देखिए इस तरह का लगा हुआ है, क्या लगा है ये आम, तो अभी इसमें लगते नहीं है, और इनमें कलम भी नहीं की हुई है, और काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, पूरे पेड़ पे लगे हुए हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है सामने को ना, यहाँ पे ऊपर तक, और यहाँ पे ये 3 पेड़ है आम के, पर इनमें ना तीनों में ही कलमें नहीं लगाई हुई है। तो ये देखिए दिखा दिया मैंने आपको ना कि ऐसे लगा हुआ है, इसके ऊपर फूल है कि क्या है ये, अगर आम लग जाते ना तो आम खाने का मज़ा आ जाना था, तो आप सभी को खिलाने थे मैंने फिर, पर अभी ये दे नहीं रहे हैं फल मुझको खुद को ही, तो फिर आपको मैं कहाँ से खिलाऊंगी। और बारिश का तो नामो निशान नहीं रहा, तो हरदीप मुझे रोज रोज बोलता है कि मम्मी ना तू बाहर रहती है तब बारिश नहीं होती है, अगर तू अंदर आ जाती ना तो बारिश लग जानी थी, तो मैं थोड़ी भगवान को मना करती हूँ कि आप बारिश मत दो। तो अब मैं आ गई अंदर, और अंदर बैठ करके अभी मैंने यहाँ पे कुछ काम करूँगी, तो यहाँ पे मैंने एक बोरी रखी हुई है, और इसमें ना काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो जो मैं कपड़े सिलती हूँ ना उनके जो भी छोटे छोटे पीस बचते हैं उनको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ, तो बोरी भर गई है मेरी यहाँ पे, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका ना एक तकिया बना लेती हूँ मैं, ऐसे भी ये बोरी में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो तकिया भी फिर काम आ जाएगा हमारा, तो अभी बाहर भी कुछ नहीं है काम करने को, तो अंदर हमारा ये काम तो हो ही जाएगा। पर उससे पहले ना कुछ खाने का मन हो रहा है, तो मैं बिस्किट खा लूँगी यहाँ पे, तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो अब मैंने सारे जो कपड़े के पीस थे उनको नीचे फैला लिया है, और अब पहले तो मुझे ना एक थैला जैसा बनाना है जिसमें कि मुझे ये तकिया भरना है। यहाँ पे मैंने एक थैला सा बना लिया है, अब इसमें मैं ये जो कपड़े के छोटे छोटे पीस है ना इनको इसमें भरती जाऊंगी बढ़िया आराम से। तो ये लीजिए एक तकिया बन गया हमारा, जो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे कपड़े के पीस थे उनका, और अब मैं इसको ना यहाँ ऊपर से बंद कर लूंगी, तो पूरी तरह से बन गया तकिया हमारा, फिर उसके बाद तो इसको कवर लगाऊंगी, पर कवरें तो बची हुई है मेरे पास, मतलब जो भी बेडशीट लाते हैं हम दुकान से ना उसके साथ में तकिए की कवर भी होती है, तो कवर तो वही हो जाएगी इसको, लेकिन तकिया बनाना था मुझे। और ऐसे भी ये जो कपड़े होते हैं ना ये छोटे छोटे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, तो इनको अगर ऐसे तकिया बनाएंगे या कुछ बैठने के लिए बना लें तो ये हमारे यूज में बढ़िया आ जाते हैं। और अभी इनकी एक बोरी भर के रखी थी मैंने अंदर, तो वो बोरी भी मेरी यहाँ पे एडजस्ट हो गई, और थोड़े से मैंने छान करके रखे तो ये थोड़े से बड़े पीस हैं, तो ये कहीं के मतलब ऐसे जोड़ करके काम आ जाएंगे, तब मैंने इनको अलग कर लिया है, जो छोटे छोटे उनको डाला है मैंने यहाँ पे। तो हमारा तकिया बनके हो गया है तैयार, ये देखिए एकदम नरम बना है, जैसे कि रुई का तकिया होता है ना उसी तरह का ये नरम है, ये भी बिल्कुल अभी नया है तब तो नरम है, जब पुराना हो जाएगा थोड़ा सा ना तब तो शायद ये हार्ड भी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कर लूँगी छुट्टी, ये जो सारा सामान है इसको यहाँ से उठा करके रख लूँगी अंदर, और अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो अब जाके बाहर ना बारिश गिरने लगी है,
ये देखिए अभी गिर रही है हल्की हल्की बारिश। और पहले क्या होता था, जब बारिश लगती थी ना तो अंदर सारे छींटे हमारे बरामदे में पड़ते थे, तो अंदर मतलब बैठना मुश्किल हो जाता था, अगर कुछ भी काम करना होता था। तो आज मैं आराम से बैठी थी, और मैं अंदर में तकिया बना रही थी, उतने को बाहर हल्की हल्की बारिश लग गई। लेकिन अभी अंदर ना एक बूंद भी पानी की नहीं जाती है, क्योंकि छींटे जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे रुक जाते हैं जो दीवार लगी है हमारी बरामदे की। तो बहुत ही मज़ा आता है अभी तो अंदर बैठने का, चाहे बारिश लगे चाहे कुछ भी हो, तो बरामदे में बैठ करके कुछ भी काम कर लेते हैं। और सारा दिन भर तो मुझे लगा कि ये बारिश होगी नहीं आज, शायद ऐसे ही आई है, पर अभी लग गई है ना तो रात को हो ही जाएगी। पर वैसे थोड़ी थोड़ी भी होगी तो उतनी भी काफ़ी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।